बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े, चटखारेदार पकोड़े। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया डालेंगे साबुत 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून और हसबे ज़ायका नमक डालेंगे। चार गोश्त मसाला डालेंगे। कोरमा मसाला 1/2 टीस्पून। मुर्गी मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लिया हमने अच्छे से अपने बेसन को। इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बेसन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको हमने बारीक काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। और 8 से 10 हरी मिर्चें थी छोटी वाली, बारीक बारीक काट ली हैं। अभी इसमें अपना बेसन डाल के इसे मिक्स करेंगे। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा मलिक आयल थोड़ा और टाइम लेगा। ये देखें पकौड़ा हमारा तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अभी चेक करेंगे, एक साइड हमारी पक चुकी है, चेंज करेंगे साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा और माल डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे पकौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।